नमस्कार, जय श्री श्याम। गीता टिप्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्याम बाबा के दर्शन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि जब उन्होंने मुझे पहली बार दर्शन किए थे तो मुझे कैसा फील हुआ था। आप लोग बोलेंगे कि ये कोई पॉसिबल है, आज के जमाने में भगवान दर्शन कहाँ देते हैं। आप सही सोचते हो ऐसा, क्योंकि आज के कलयुग में भगवान के दर्शन पाना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं जैसे श्याम बाबा की प्रेमी हूँ, मैं श्याम बाबा को मानती हूँ, और मैं आज से नहीं, मैं पैदा हुई तब से मैं श्याम बाबा की प्रेमी रही हूँ। मम्मी पापा सब मेरे श्याम बाबा को बहुत मानते थे। हम लोग शुरू से श्याम बाबा की मान्यता रखते हैं, और जैसा जो जानते हैं श्याम बाबा को, उनको तो पता है कि श्याम बाबा कौन है। लेकिन जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो, जिनको नहीं पता कि श्याम बाबा कौन है, तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि श्याम बाबा श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप है, और उनकी मान्यता खाटू श्याम जी में होती है, जो जयपुर से 2 घंटे के रास्ते पे रिंगस बोल के एक स्थान है। रिंगस से आधी घंटा लगती है खाटू श्याम जी जाने में, वहीं पे इनका मंदिर स्थापित है। और श्याम बाबा की मान्यता बहुत ज्यादा है, और आजकल तो डे बाई डे इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि बस मत पूछो, पता नहीं बाबा कहाँ इतनी भीड़ को रखेंगे। इतना ज्यादा भीड़ आजकल हो रहा है, एवरी सैटरडे संडे आप जाओ, एवरी सैटरडे संडे पाव रखने की जगह मिलेगी, और एकादशी के दिन तो एकदम भी जगह नहीं रहती पाव रखने की, इतनी ज्यादा भीड़ होती है। जो भीड़ आज से 30 साल पहले फागुन में हुआ करती थी, जो मेन उनका मेला लगता था श्याम बाबा का, उस टाइम जो भीड़ होती थी, वो वैसी भीड़ आज के एकादशी को लगती है। तो बहुत लंबी लाइनें लगानी पड़ती है वहां पे, 2-2, 3-3 घंटे की लाइन लगती है। और फागुन में इनका मेला आता है, उस टाइम 15-20 दिन से ही मेला शुरू हो जाता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, कंटिन्यूस इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ पाव रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत लंबी लाइनें लगती है, 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर जितनी लंबी लाइनें लगती है अंदर दर्शन करने के लिए। फिर भी जो भी भक्त है, श्रद्धालु है श्याम बाबा के, जो भी प्रेमी है, वो उन भीड़ से डरते नहीं है, और वो एक जोश लिए है बाबा का, लाइन में लग के वो सारे के सारे लोग दर्शन करते हैं, क्योंकि ये श्याम बाबा के प्रति उनका प्रेम है जो उन्हें खींच के लाता है। इतनी लंबी लंबी लाइनों में लाइन लग के दर्शन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इससे से साबित होता है कि श्याम बाबा से उनका कितना लगाव है, और श्याम बाबा को अपने भक्तों से, अपने बच्चों से कितना लगाव है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज से 15-20 साल पहले की बात है। तो जो लोग खाटू गए हुए हैं, उन लोगों को पता है कि वहाँ पे दर्शन कैसे होते कैसे नहीं, तो मैं जो भी बात करूंगी उनको तो अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन जो खाटू नहीं गए हुए हैं, जो श्याम बाबा से रिलेटेड नहीं है, उनको हो सकता है मेरी बात थोड़ी समझ में कम आए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ था। तो जैसे खाटू श्याम जी में एक मंदिर के आगे थोड़ी सी स्पेस अलग बनी रहती है वीआईपी लोगों के लिए, जैसे पुजारी जी जाते हैं, सेवक परिवार के लोग जाते हैं, वही उस पर्टिकुलर वो थोड़ी सी जगह है जिसको हम लोग मंड बोला करते हैं, श्याम बाबा का मंड बोलते हैं, वहां से बहुत कम लोगों को डायरेक्ट दर्शन करने के लिए मिलते हैं वीआईपी लोग। लोग बोलते हैं वीआईपी दर्शन, लेकिन एक्चुअल में वो वीआईपी तो क्या होते हैं कि बाबा की जिस पर कृपा होती है उसको वहां मंड के अंदर में आने मिलता है, और वहीं से उनको दर्शन करने मिलता है। ये बाबा की कृपा के बिना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मंड से दर्शन करना एक बहुत बड़ी बात होती है लोगों के लिए कि हाँ, आज मैंने मंड से दर्शन किए बाबा के। एक लाइन लगा के जाते हैं तो लोगों को लगता है कि मैं लाइन लगा के जा रहा हूँ, तो कुछ लोग इसमें भी खुश होते कि हाँ मैंने लाइन से दर्शन किए हैं। लेकिन कुछ लोगों को की हैबिट होती है, बहुत सारे जो बहुत पुराने श्याम प्रेमी, उन सबको थोड़ी सी हैबिट है मंड से दर्शन करने की। तो ऐसे ही मेरा भी बचपन से थोड़ा रहा है, हम लोग जाते हैं तो काफी लोग हमें जानते हैं, तो हमें भी मंड से दर्शन होते हैं। तो आज से 15-20 साल पहले की बात है कि फागुन मेले पे मैं गई हुई थी, और उस टाइम मैं ज्यादातर सिर्फ मेले पे ही जाया करती थी, 8 दिन बहुत कम मेरा जाना होता था। और अब तो बाबा की कृपा है कि बाबा मुझे एवरी मंथ बुला लेते हैं, कई बार बीच में छूट भी जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि एवरी मंथ जाने की। तो मैं एक बार दर्शन करने के लिए मंड के अंदर घुसी, तो मैंने मंड में बाबा से नजर मिलाई, बाबा की तरफ देखा, हाथ जोड़े प्रणाम किया, धोख खाया बाबा को। फिर जब मैं बाबा की तरफ देखी तो मेरे मन में एक ख्याल आया, क्योंकि मैंने जब बाबा की ओर देखा तो देखा कि बाबा की नजर सीधी जा रही है,
मैं नीचे बैठ गई, क्योंकि मन में जो लोग दर्शन करते हैं ना, तो उनको नीचे बैठ जाना पड़ता है ताकि पीछे वाले भक्त को दर्शन हो सके। तो मन में ज्यादातर लोग खड़े नहीं रहते हैं, वो बैठ जाया करते हैं। तो मैं भी बैठी हुई थी, खड़े रहते तो सामने भगवान से आई कॉन्टेक्ट होता है, आंखों में आके भगवान देखते हैं तो उन्हें दर्शन होते हैं, लगते कि बाबा मुझे देख रहे हैं, श्याम बाबा ने भी मुझे देखा, मैंने देखा। तो जो सामने से सीधी लाइन से उन्हें दिखते, लेकिन जो बैठ जाते हैं उन्हें भगवान की नजर नहीं दिखती है, उन्हें लगता है कि बाबा सीधा सामने देख रहे हैं और मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। तो मैंने भी जब देखा बाबा की तरफ, तो देखा कि बाबा की नजर तो एकदम सीधी जा रही है, पीछे जा रही है, बाबा तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने तब मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, नहीं मैंने हस्बैंड से नहीं कहा, मैंने अपने आप से ही कहा, क्या फायदा बाबा मन से दर्शन करके, लोग वीआईपी दर्शन करते हैं, मन से दर्शन मन करते हैं, लेकिन क्या फायदा मन से दर्शन करके, जब आपकी नजर ही हम पर नहीं पड़ती तो आपके दर्शन करके कोई फायदा नहीं है। मैं तो कल से मैं भी लाइन लगा के पीछे से दर्शन किया करूंगी, मैं वीआईपी दर्शन नहीं करूंगी अब, क्योंकि जब आपकी नजर ही नहीं पड़ रही मुझ पर, सिर्फ मैं आपको देख पा रही हूँ, आप मुझे नहीं देख पा रहे हो, तो क्या फायदा इस दर्शन का। तो मैं बोल के निकल गई। उसके बाद ये बात मेरे माइंड से स्लिप कर गई, मुझे ध्यान भी नहीं रहा। फिर नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे मैं फिर मंड के अंदर गई, आदत थी ना हमेशा मंड के अंदर से दर्शन करने की, तो मैं फिर मंड के अंदर गई तो दर्शन की। तो मैंने दर्शन किया, जैसे ही दर्शन करके हाथ जोड़ के धोखा खाकर जैसे मैंने अपनी नजर ऊपर की, तो मैंने देखा कि बाबा की एक नजर सामने देख रही है और एक नजर नीचे मेरी तरफ थी बाबा की। ये बाबा के मंड का दर्शन है, जो कि बहुत ही अद्भुत दर्शन है। बहुत कम लोगों को डायरेक्ट श्याम बाबा के मंड के दर्शन हुए होंगे, मुझे नहीं लगता, और मैं भी उस लायक नहीं हूँ। श्याम बाबा ने मुझे दर्शन दिया तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं बाबा की तरफ देख रही थी, तो मैंने देखा बाबा की एक नजर सामने भक्तों के लिए थी और एक नजर नीचे थी, वो एक नजर से मुझे देख रहे थे, एक नजर से सामने वाले भक्तों को देख रहे थे। ये देखते मेरे तो रोंगटे खड़े हुए, मतलब ये क्या, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है बाबा मेरी तरफ देख रहे हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, देखिए आप बाबा की तरफ एक बार देखिए, आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? तो उन्होंने भी कहा, हाँ मुझे कुछ नजर आ रहा है। बोले क्या नजर आ रहा है? तो बोले बाबा की एक आंख सीधी है, एक आंख नीचे है। बोले आपको भी दिख रहा है ऐसा? मुझे लगा सिर्फ मुझे ही दिख रहा है। फिर जब मैं मन से बाहर निकली तो मुझे याद है कि अरे मैंने तो कल ऐसे कहा था कि बाबा की नजर मुझ पे नहीं पड़ती, तो क्या फायदा मन से दर्शन करने का, इससे अच्छा मैं मन बाहर से लाइन लगा के दर्शन करूंगी तो मुझे अच्छे से दर्शन होंगे, कम से कम बाबा मुझे देखेंगे तो सही। ये भाव मेरे मन में थे और फिर मैं भूल गई और फिर आके मैं मन के अंदर घुस गई, मन में दर्शन करने लगी। तो आज देखो बाबा ने मुझे बताया कि मैं तुझे भी देख रहा हूँ और उन्हें भी देख रहा हूँ। जैसे बाबा ने ये जताया मुझे कि जैसे तुम्हारी इच्छा है मुझे देखने की, तो मेरी भी इच्छा है तुझे देखने की। और वो बहुत ही अद्भुत दर्शन थे। मैंने इस जन्म में ऐसे कोई कर्म नहीं किए कि मैं श्याम बाबा के दर्शन कर पाऊँ, या उनके मैंने कोई ना ही पूजा पाठ इतने किए, ना ही कोई भक्ति इतनी किए कि मुझे श्याम बाबा के दर्शन मिल सके। उसके बावजूद यदि बाबा ने मुझे दर्शन दिया तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं बचपन से ही मेरा शौक रहा था भगवान का दर्शन करने का, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मुझे भगवान की बातें सुनाया करती थी। तो मेरे मन में भी एक हमेशा इच्छा जागृत रहती थी कि पता नहीं मुझे कब भगवान के दर्शन मिलेंगे, मैं पता नहीं इतनी भक्ति कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, हमेशा मन में एक एक ख्याल आता रहता था और शौक बहुत था कि भगवान मुझे दर्शन दे। तो लेकिन फिर साथ में मैं एक बात और कहती थी बाबा से कि श्याम बाबा से कहती थी कि बाबा आप जब भी मुझे दर्शन दो तो सबूत जरूर देना, यदि आप मुझे सबूत नहीं दोगे तो और मैं यदि लोगों को बताऊंगी तो मेरी बातों पे कैसे कोई विश्वास करेगा कि आपने मुझे दर्शन दिया है। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ बाबा मुझे सबूत जरूर दीजिएगा आप अपने दर्शनों की। तो वो सबूत आज भी मेरे पास है और वो सबूत मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये सिर्फ एक ही बार नहीं, मेरे साथ बहुत बार ऐसी चीजें हुई है, बहुत बार श्याम बाबा ने मुझे दर्शन दिया है। मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी ध्यानी पंडित या तपस्वी नहीं हूँ जिसके कारण मुझे बाबा का दर्शन मिला होगा, लेकिन पता नहीं पिछले जन्म का कोई कर्म ऐसा होगा जिसके कारण श्याम बाबा का मुझे हमेशा प्रेम और उनका प्यार दर्शन सब कुछ मुझे मिला है। बाबा ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने जिंदगी में चाहा है। तो उनका मेरी लाइफ में बहुत ही महत्व है, मैं
उनसे ऊपर मेरे लिए कोई भी नहीं है जिंदगी में, मैं उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। और ऐसा ही कुछ प्रेम मुझे श्याम बाबा की तरफ से भी हमेशा मिलता आया है। अभी जो मैंने आपको ये बात बताई कि एक नजर बाबा के नीचे थी एक नजर सीधे थी, मैं उसकी भी छवि आप लोगों को दर्शन करवाऊंगी। और ऐसे और भी कई दर्शन है मेरे पास श्याम बाबा के दिए हुए, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी उसके बारे में भी। और मेरी बहुत बार इच्छा करती है कि मैं एक डायरी लिखूं जिसमें मेरे और मेरे बाबा के बीच का रिश्ता क्या था, बाबा ने मुझे कब कब कैसे कैसे दर्शन दिया, बाबा ने मेरे लिए क्या क्या किया। बहुत इच्छा होती थी लेकिन समय नहीं मिल पाता था, या थोड़ा आलस भी चाहे बोल लीजिए, मैं नहीं लिख पाती थी। अब कहने के लिए लोग ये कहेंगे कि भगवान यदि दर्शन देते वो बात लोगों को नहीं बतानी चाहिए, ये बात भी सही है, नहीं बतानी चाहिए। मैं भी काफी सालों से बहुत लोगों को बताया भी है मैंने और बहुत लोगों से छुपाया भी है मैंने, लेकिन ये मेरे जीवन की इतनी बड़ी खुशी है, मैं इस खुशी को सबके साथ बांटना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे बताना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि जो थे, जैसे सूरदास जी थे, कबीरदास जी थे, तुलसीदास जी थे, इन सबको भी भगवान ने दर्शन दिया, तो वो हम लोग को पता है तो कैसे पता है, उन लोगों ने बताया होगा तभी हम लोगों को पता है ना कि तुलसीदास जी को भगवान ने दर्शन दिया, कबीरदास जी को, रहीमदास जी को, सूरदास जी को, मीराबाई को, इन सबको दर्शन जब दिया भगवान ने तो उन्होंने भी किसी के साथ चर्चा की होगी तभी हम लोगों को आज उनके बाद पता है। कर्माबाई का खिचड़ी खाया था, तो उसी तरह मैं नहीं कहती कि मैं उन लोगों के जितनी बड़ी कोई बहुत तपस्वी साधु संत हूँ, मैं बहुत ही नॉर्मल एक मामूली इंसान हूँ। और अब तो फिर भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने का टाइम मिल जाता है, आज से 15-20 साल पहले तो इतना टाइम भी नहीं मिलता था, लेकिन भक्ति भावना बहुत ज्यादा महत्व रखती है भगवान से प्रेम करने की। यदि आपकी भावना सच्ची है और भगवान से यदि आपका लगाव सच्चा है, आपकी आपका प्रेम यदि सच्चा है, तो भगवान आपको दर्शन बिना भक्ति के बिना तपस्या के भी भगवान दर्शन देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको भगवान को पाने के लिए जंगल में जाके रहना पड़ेगा, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। वो सतयुग में होता था कि बहुत तपस्या करने के बाद भगवान मिलते थे, लेकिन मुझे जो फील हुआ अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग में भगवान बिना तपस्या के भी लोगों को दर्शन दे सकते हैं, लेकिन बस उनका उनके प्रति प्रेम सच्चा होना चाहिए, भक्ति सच्ची होनी चाहिए, भावना सच्ची होनी चाहिए। भक्ति किसे कहते हैं मैं इतना नहीं बता पाऊंगी कि भक्ति की क्या परिभाषा है, थोड़ी बहुत जो मुझे नॉलेज है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि भक्ति कैसे मिलती है। तो अभी मैं आपको वो छवि दिखाने जा रही हूँ जो बाबा ने मुझे दर्शन दिए थे, शायद आपको भी अच्छे लगेंगे और आपके भी रोंगटे खड़े ना हो जाए तो आप मुझे बताइएगा। गौर से देखिए इस फोटो को, ये बाबा की बहुत पुरानी छवि है और इस छवि को बाबा की आप गौर से देखिए, इस छवि में बाबा की दोनों आंखें एकदम सीधी देख रही है, देखिए एकदम सीधी है, कहीं कोई ऊपर नीचे नहीं है, एकदम सीधी है। ये नॉर्मल बाबा की छवि है जो मंड में रहती है, वही मैं बता रही हूँ आपको, देख लिया आपने ये पूरी छवि में, आप गौर से देखिए दोनों आंखें एकदम सीधी देख रही है। अब मैं आपको दूसरी छवि दिखाती हूँ कि इस छवि को आप देखिए, इसमें एक नजर बाबा की एकदम सीधी देख रही है और एक नजर एकदम नीचे देख रही है। इससे आपको पता चल गया होगा कि बाबा अपने भक्तों से अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। देखिए बाबा की एक नजर एकदम सीधी है और एक नजर एकदम नीची है। और एक बात बता दूं, ये कोई टेक्निकली मैंने कोई इसमें चेंजेस नहीं किया है, जो लोग भी श्याम प्रेमी है, श्याम भक्त जो भी है, उन लोगों की ना ही इतनी औकात है ना ही इतनी हम लोगों में हिम्मत है कि हम बाबा की छवि के साथ छेड़छाड़ कर सके। और ये आज की छवि नहीं है, ये आज 15-20 साल पुरानी छवि है। कोई आज तो लोग बहुत फोटो खींच लेते, उस टाइम तो फोटो लेना भी वर्जित हुआ करता था, फिर भी श्याम बाबा ने मुझे सबूत दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बात मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर पा रही हूँ। और ये शेयर करने का मेरा एक और मकसद है, जैसे कि जो लोग भक्ति में है उन लोगों के लिए संदेश है मेरा ये, और जो लोग भगवान से रिलेटेड थोड़े कम है, जो लोग पूजा पाठ कम करते हैं, भक्ति भावना से थोड़े दूर रहते उनकी बात अलग है, लेकिन जो लोग भगवान से प्रेम करते उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि भगवान के दर्शन आपको भी हो सकते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ अपनी भावना अच्छी रखनी होगी। बोलते ना जैसी भावना रहता है वैसे ही फल मिलता है, तो आप लोग निराशा मत होइए, जिनके मन में भी भगवान के दर्शन करने की
कामनाएं हैं वो भगवान जरूर पूरी करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये दर्शन बाबा के अच्छे लगे होंगे। आप लोग मुझे बिल्कुल भी, मतलब मैं बता रही हूँ कि ये कोई फेक नहीं है, मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, मैं इस तरह के और भी दर्शन लेके आपके सामने आऊंगी। ज्यादा तो नहीं, मेरे पास सब कुछ 3-4 है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि श्याम बाबा किस तरह मुझे दर्शन दिया करते थे। और भी बहुत है, उनके मेरे पास सबूत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे दर्शन वाली बात अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी है, आपको श्याम बाबा के दर्शन अच्छे लगे हैं, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। इसके साथ जय श्री कृष्ण, अलविदा।